एंड फिगर 6.54 ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसको क्या करो बेटा, इसको ना सबको इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन दीज वैल्यूज, बिकॉज मुझे पाइथागोरस लगाना है और पाइथागोरस लगाने के लिए हमारे पास ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मुझे करना क्या है यहाँ पे, दीज आर द परपेंडिकुलर वैल्यूज। मुझे सबसे पहले चाहिए ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब कहाँ मिलेगा? ओ ए, ओ बी, ओ सी। ओ ए कौन से ट्राइंगल में मिलेगा? यहाँ मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। ओ ए दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक ले लो। यहाँ से मानो मैंने ओ ए ले लिया, तो ओ ए के साथ मुझे क्या मिलेगा? ए एफ मिलेगा, ओ एफ मिलेगा। ए एफ चाहिए ना आपको, ये देखो ए एफ भी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या ले रही हूँ? हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आपको इक्वेशन से समझना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओ ए चाहिए, ओ बी, ओ सी। ओ ए है, दोनों ट्राइंगल्स में है ओ ए, तो लेना कौन सा है मुझे? उसके साथ में क्या चाहिए? ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ। तो वो मुझे यहाँ मिलेगा। अगर मैं इधर वाला ट्राइंगल लूँगी तो मुझे ए ई मिलेगा, मुझे ए एफ नहीं मिलेगा। मुझे क्वेश्चन में ए एफ भी चाहिए जो प्रूफ करना है। सो आई टेक दिस ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल जिसमें मैंने नंबरिंग किया। और ओई और ओएफ अलग दूसरे ट्राइंगल पे हम, वो दूसरे में मिल जाएगा, लेकिन मुझे ए एफ चाहिए साथ में। ओ ए भी चाहिए और ए एफ भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया तो मुझे ए ओ भी मिल जाएगा और साथ में ए एफ भी मिल जाएगा। या आप इधर से देखो, इधर से देखो, बी डी स्क्वायर चाहिए। बी डी स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में मिलेगा? इधर से। तो दिस इज सेकेंड ट्राइंगल। एंड सी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा आपको? इधर वाले में, थर्ड ट्राइंगल में। सो ये तीन ट्राइंगल्स लो और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी आपकी? दिस इज 90 डिग्री, एंगल एफ 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर आएगा, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड मैंने जो दिया तो इसमें बी ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा सहाना, सी ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है ये तीनों? बस तीनों में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ये जो लाइंस मैंने अभी रेड वाले ड्रॉ किए, ये तीनों में हाइपोटन्यूज है, बिकॉज ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 के अपोजिट होता है, दैट इज हाइपोटन्यूज। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तीनों में। ओके, एंड देन आपको क्या चाहिए? ए एफ। अगर मैंने तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, या फिर पहले इसको ट्रांसपोज कर लो, आई गेट ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी ट्रांसपोज कर लो, बी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, एंड देन थर्ड सी ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन, फोर्थ, फाइव एंड सिक्स। सिंपली एड इक्वेशन 4 प्लस 5 प्लस 6 करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। कर लोगे इसके आगे? देखो मिल जाएगा, ए ओ चाहिए प्लस बी ओ प्लस चाहिए सी ओ प्लस चाहिए, तो वही है यहाँ पे, ये दोनों प्लस, ये तीनों नेगेटिव, सो ओ डी ओ ई ओ एफ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो मैडम। हाँ बोल। बट इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट पे आपको क्या क्या चाहिए? ए एफ स्क्वायर चाहिए, बी डी स्क्वायर चाहिए, वापस वही ए एफ बी डी सी ई स्क्वायर चाहिए, लेकिन उसके अलावा दूसरा क्या चाहिए? ए ई स्क्वायर, मतलब यही वाला चीज़ है, यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा से, जो फर्स्ट का सॉल्यूशन आया विल स्टार्ट विद दैट। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। आई स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। बस मुझे क्या करना है, अब थोड़ा सा रीअरेंज करना है। मुझे अब क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर ये वाले ट्राइंगल में मिलेगा, है ना? तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर को ओ ई स्क्वायर के साथ अगर आप कंबाइन करोगे, यू विल गेट ए ई स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। इसी तरह से ओ बी स्क्वायर के साथ मुझे क्या चाहिए? अभी क्या बनाना है? बी डी स्क्वायर बनाना है। नहीं, क्या बनाना है अभी? सी डी स्क्वायर चाहिए, मतलब ये वाली साइड। ठीक है,
तो इसके साथ क्या कंबाइन करेंगे, ओसी स्क्वायर और ओडी स्क्वायर को कंबाइन करेंगे। इनको कंबाइन करो, इनको कंबाइन करो, ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर विल गिव सीडी स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रही हूँ मैं सब में, एंड सिमिलरली वन ओबी स्क्वायर और ओएफ कहाँ है, ओबी ओबी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर। अब ये जिस पे मैंने पिछली बार क्रॉस किया था, ये सारे इक्वेशंस उसके साइड वाले ट्राइंगल में बन रहे हैं, मतलब ये वाला ट्राइंगल अभी। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर विल गिव बी एफ स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिला बी एफ स्क्वायर, सो आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड तो मेरा वही वाला है जो पहले से था, सेम चीज रिपीट हुई है। आंटी आपने वो बी एफ स्क्वायर कैसे निकाला वो वापस बताओ ना। ये वाला ट्राइंगल देख, ये वाला ट्राइंगल सर्कल किया है, ट्राइंगल बी एफ ओ। अगर मैं बी एफ ओ में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर मिलेगा। हाँ ठीक है, बस मैंने रीअरेंज कर लिया, उधर ले गई। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर। यहाँ हाँ ठीक है, ओ बी स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर दोनों है, इसको कर दिया। ठीक है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। 10 मीटर लॉन्ग, अब यहाँ विंडो है, ठीक है, लैडर को तो हमेशा स्लांट ही रखते हो ना। लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये विंडो है, दिस इज विंडो, तो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। विंडो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, मतलब आपको ये निकालने के लिए बोला है। ये बेस ऑफ द वॉल है, ये आपकी लैडर का बेस हो गया, डिस्टेंस निकालना, निकालोगे ये तो पाइथागोरस थ्योरम, इट्स 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का रूट, कितना आएगा, 6 मीटर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अ वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, वर्टिकल पोल है आपका 18 मीटर हाई, एंड उसके साथ जो वायर अटैच्ड है ये वाला, दिस इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टैक अटैच टू अदर एंड, हाउ फार। ये कभी तुमने देखी है पोल्स को जो वायर लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल पोल्स को, आपको देखा है ना, ये इलेक्ट्रिकल पोल्स जो होते थे ना पहले, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल्स, अभी तो आपकी सारी अंडरग्राउंड सप्लाई है, लोगों ने देखा है जैसे ये इलेक्ट्रिकल पोल्स होते थे उसके साथ ये एक वायर अटैच कर देते थे और उसको बेस में यहाँ पे मतलब सॉलिडली फिक्स कर देते थे। तो ये जो सी पॉइंट है, दिस इज द स्टैक वेयर द पोल इज अटैच, वायर वायर को ऐसे स्लांट रखा है, सेम क्वेश्चन लाइक द प्रीवियस वन, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टैक बी ड्रिवन सो दैट वायर विल बी टॉट, मतलब एकदम टाइट करके वायर को लगाया हुआ है, उसके बीच में कोई स्लैकनेस नहीं है। ठीक है, अगेन यू हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी सी, कर लोगे, ये मैं छोड़ रही हूँ आगे घर पे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी है और सिंपल भी है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, 1000 की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स अ सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की तरफ जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से जा रहा है। ठीक है, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, अच्छा 100 की उसकी स्पीड है पर आवर की, तो 1.5 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगा, 1500 किलोमीटर ट्रैवल करेगा ना इन 1.5 आवर्स। सिमिलरली अगर इसकी 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 1200 प्लस 600
कि कितना ट्रैवल किया तक, 1800 किलोमीटर पर आवर। तो एक प्लेन बी प्लेन मानो यहाँ पहुंच गया, ए प्लेन इस पॉइंट पे पहुंच गया, हाउ फार अपार्ट, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको ये मिलेगा ना, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, सो यू नीड टू कैलकुलेट ए बी, निकल जाएगा, कर लोगे। आंटी 1/1 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्टर इट्स 1.5 आवर्स, मतलब 3/2 आवर्स, ठीक है। अगर 100 है बेटा तो मल्टीप्लाइड विद 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 1500 किलोमीटर। सिमिलरली 1200 को मल्टीप्लाई करो 3/2 से, 1800। ये आप जनरल अंडरस्टैंडिंग, इट्स 1.5 आवर्स, 1 आवर्स में 1000, तो हाफ एन आवर में और 500, 1500, जैसे भी कर सकते हो। ओके, सो यू नीड टू कैलकुलेट, इसके आगे निकाल लेना, सॉल्व कर लेना इसमें, ओके स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, अ प्लेन ग्राउंड इज देयर, वन पोल इज 6 मीटर्स, अनदर पोल इज 11 मीटर्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, आपको ये निकालना है, कैन यू कैलकुलेट, दिस इज पोल P1, दिस इज पोल P2, ये उसका बेस ले लो, आपको निकालना है P1 P2, क्या करो इसको, मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, P1 और B, सो दिस इज अ रेक्टेंगल, P1 A B C इज अ रेक्टेंगल, सो दिस इज आल्सो 12 मीटर, ये 6 मीटर आएगा, तो P2 C कितना आएगा, 5 मीटर, बिकॉज़ आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, ये 6 मीटर हो गया तो ऊपर 5 मीटर बच गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ वापस, P1 P2 स्क्वायर इक्वल टू P1 C स्क्वायर प्लस P2 C स्क्वायर, कर लोगे? हाँ इट्स 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कर लेना इसके आगे सॉल्व, आंसर बता दो मुझे क्या आ रहा है तुम्हारा, इट्स 13 मीटर आ रहा है मेरा, तो ले लो उसका। DE are points on the side CA and CB respectively of a triangle right angled at C. ये जरा ना क्वेश्चन अब बहुत ध्यान से ना, अब तुम्हारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 13 तो फिर भी ठीक है, इसके बाद के 2-3 क्वेश्चन टफ है, दिस इज सी, उसके बाद ए भी आपको जहाँ बनाना है बना दो, बट राइट एंगल एट सी होना चाहिए, एंड देन डी पॉइंट सी ए के ऊपर है, डी पॉइंट इज हियर, ई पॉइंट्स ऑन द साइड सी बी, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है कि वो मिड पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ डी एंड ई, एनी वेयर इट कैन बी, यहाँ पे भी ई हो सकता है, यहाँ भी ई, एनी वेयर इट कैन बी, सिर्फ डायग्राम थोड़ा नीट लगेगा इसलिए करके मैंने बीच में डाला है, बट एनी वेयर यू कैन टेक डी एंड ई पॉइंट्स, ओके, एंड देन बोला क्या है, ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर मतलब आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, और क्या चाहिए, बी डी स्क्वायर, सो ज्वाइन दिस ऑल्सो, सो दिस इज द डायग्राम, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, मतलब डी ई को भी ज्वाइन करो, ट्राई करना है, द क्वेश्चन इज वेरी इजी, देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर मुझे कहाँ से मिलेगा, इन ट्राइंगल ए सी ई से मिलेगा मुझे, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम ए सी ई ट्राइंगल में लगाऊं तो मुझे ए स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, माई फर्स्ट इक्वेशन, बी डी स्क्वायर कहाँ से आएगा, बी डी स्क्वायर विल बी इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल, सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन में ही होते हैं, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मुझे कौन से ट्राइंगल को यूज करना है, हेयर इट विल बी बी सी स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा आपको सी डी स्क्वायर, इक्वेशंस क्लियर हो रहे हैं, जो अभी तक दो इक्वेशन लिखे हैं,
ओके ओके ठीक है, दोनों को हाँ ऐड कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर दो बार आ गया, कुछ गड़बड़ हुआ है। ए स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सॉरी दिस शुड बी ए सी स्क्वायर, दो बार नहीं आ सकती एक ही चीज़। ठीक है, सो इट्स ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ भी ए सी स्क्वायर आएगा। अब क्या क्या मिल गया आपको, लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गया, लुक एट द राइट हैंड साइड, ए बी स्क्वायर एंड डी ई स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा, लेट इट बी इक्वेशन थ्री। चाहिए तो आप बना लेते, ए बी स्क्वायर कितना आएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सिमिलरली मुझे और क्या चाहिए, डी ई स्क्वायर चाहिए, सो डी ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इज इट क्लियर? आंटी फिर से बता दो आंटी, इक्वेशन 5 एंड 6। सी ए बी स्क्वायर मुझे कहाँ से मिलेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी अगर मैंने फुल ट्राइंगल लिया देन ए बी इज द हाइपोटन्यूज, सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट। फॉर डी ई स्क्वायर आई विल टेक ट्राइंगल डी सी ई, मैंने ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये यहाँ से मिला मुझे। ओके नाउ अब ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। ई सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर इन दोनों को रिप्लेस कर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर, रिप्लेस कर दो तो आपको जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर, देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत ध्यान से देखना, द परपेंडिकुलर ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इक्वल टू 3 CD। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए बी इज डी बी इज इक्वल टू 3 CD, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर। अब शुरुआत में ही आप क्या करो, अगर मैंने सी डी को एक्स ले लिया तो 3B, ये डी बी कितना होगा उसका, 3 टाइम्स मीन्स इट विल बी 3X। सो टोटल बी सी कितना आएगा आपका, 4X। ये पॉइंट क्लियर है? यस, सी डी हैव टेकन एक्स, तो अगर सी डी को मैंने एक्स सब्सटीट्यूट किया तो डी बी विल बी 3X, सो फुल बी सी विल बी 4X। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बार बार यूज होगा, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ भी ये भी परपेंडिकुलर है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, नहीं ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ जी। ओके नाउ सी द थिंग दैट आई हैव टू प्रूव, उसके अंदर मेरे पास ए डी नहीं है, आई हैव ए बी, ए सी है मेरे पास और बी सी है, ठीक है, लेकिन मेरे पास उसमें एक भी ए डी नहीं है, तो मुझे उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, मेरे ये दो इक्वेशंस में से मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, मेरा ए बी एंड ए सी अपोजिट साइड में है, तो अगर हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ए बी और ए सी सेम साइड में आ जाएगा। मेरे पास ए सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, इफ़ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस मेरा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो आई गेट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। फिर बाद में ए बी को अगर मैंने ट्रांसपोज करके उधर लिया तो मतलब मेरे पास दो
ये अपोजिट साइड पे चला जाएगा. सो व्हाट आई शुड डू, आई शुड सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन सो दैट ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर अपोजिट साइड में चले जाएंगे इक्वल टू के. और दूसरी चीज़, मेरा ए डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मुझे प्रूफ में ए डी स्क्वायर नहीं चाहिए. ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? इट्स सेकेंड माइनस वन कर रही हूँ, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, ताकि ए बी इधर ही रहे. ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी डी कट हो जाएगा एंड इट इज ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. ओके, अब यहाँ देखो सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं. सी डी मीन्स सी डी इज वन फोर्थ ऑफ बी सी, बिकॉज सी डी एक्स है और बी सी फोर एक्स है. मीन्स सी डी इज वन बाय फोर बी सी. Similarly, BD is 3 by 4 BC. Yes? Clear है point? हाँ ठीक. तो बस वो values यहाँ पे replace करो, you will get the result. BD square के जगह डालो 3 by 4 BC. Then squared. Similarly, CD square के जगह पे डालो 1 by 4 BC and then squared. You'll get the answer. It's 9 by 16 BC square minus कितना है ना, 1 by 16 BC square. कितना हो गया? 8 by 16 BC square. Add कर दो 1 by 2. कितना आ गया? AB square minus AC square. ठीक है? इसके बाद 2 को उधर multiply कर दो. It's 2 AB square minus 2 AC square equal to BC square. इसको इधर transpose करो. समझ में आ रहा है स्टेप्स? यस. एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट डी समवेयर हियर, इट इज वन थर्ड ऑफ बी सी. ओके, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रूव दैट 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर. सी आई हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम तो हम तभी लगा सकते हैं जब उसके अंदर परपेंडिकुलर हो. तो इसमें कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप परपेंडिकुलर अपने तरफ से बना दो, खुद बनाओ. लेट दिस पॉइंट इज ई. ठीक है, हम खुद परपेंडिकुलर बना देंगे. अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो परपेंडिकुलर होता है इट डिवाइड द अपोजिट साइड इंटू टू रेशियोज. इक्विलेटरल के अंदर, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एंड मीडियन इज सेम, है ना? ये चीज कल परसों में भी डिस्कस की थी हमने. सो इसका मतलब क्या हो गया? बी ई इक्वल टू ई सी आएगा. ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. दिस इंप्लाइज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, इट्स द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? चलो अब हम लगाएंगे. हमें क्या क्या चाहिए? ए डी स्क्वायर चाहिए. मतलब मुझे इसमें तो पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा. 9 ए डी स्क्वायर चाहिए. तो इधर ए बी मुझे कहाँ से मिलेगा? वो ट्राइंगल ए बी ई में मिल जाएगा. तो ये दो ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे. कौन कौन से? पहला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई डी. ए ई डी में क्या मिलेगा? ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ए बी. ए बी ई, इसमें क्या आएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर. ये स्टेप क्लियर है? यस. हाँ जी. सिंपल पाइथागोरस लगाया. वापस देखो, ये दोनों अपोजिट साइड में हैं. मुझे ए ई मैंने अपने तरफ से ड्रॉ किया है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, तो वो मुझे नहीं चाहिए. सो टू एलिमिनेट ए ई, आई सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशन, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन. सो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई कट हो जाएगा, यू विल गेट बी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो अब इसको क्या कर सकते हैं? बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर इज हाफ ऑफ, चलो अभी तो इस पैसे रहने दो. डी को क्या लिख सकते हो? डी डी को बी ई माइनस बी डी लिख सकते हो?
डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बी ई माइनस बी डी लिख सकते हो कि नहीं, ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है? मुझे डी ई हाँ चाहिए, सो फुल डी ई माइनस बी डी कर दो। अब ये क्या हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो इसको आइडेंटिटी लगाओ ए माइनस बी होल स्क्वायर की, तो इट्स बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 BE इंटू बी डी। क्लियर? एक्सपांड करो, बी से बी कट जाएगा और क्या मिलेगा, माइनस बी डी स्क्वायर प्लस 2 BE इंटू बी डी। क्लियर है ये? हाँ यस। चलो इसके आगे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही चलने दो अभी। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, अब बी डी को क्या लिख सकते हो, 1/3 BC, राइट? और यहाँ है स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 1/9 BC²। ये स्टेप समझ में आ रहा है हर्षिता? आंटी फिर से बताओ आंटी, कहाँ से? लास्ट वाला स्टेप। ये वाला स्टेप समझा था, इक्वेशन 1 और 2 हाँ मैंने उनको सब्ट्रैक्ट किया, ए कट हो गया, तो आई गॉट बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। मैंने बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मिला, डी को रिप्लेस किया, डी इज इक्वल टू बी ई माइनस बी डी। ओके, मतलब ओके मैं एक्सपांडेड इट विद ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर दूसरा मैंने बोला यहाँ पे मिला तुमको बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, बी डी क्या है, 1/3 BC, तो बी डी का स्क्वायर करोगे तो फुल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ओके, एंड देन प्लस 2 BE, बी कितना है अभी बताया था, बी इज हाउ मच, हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, तो इट इज हाफ ऑफ बी सी इंटू बी डी कितना है, 1/3 BC। ठीक है, ये वाला स्टेप हाफ से हाफ कट करो, माइनस 1/9 BC² ये हो गया बी सी प्लस बी सी स्क्वायर बाय 3, बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर, एक नीचे 3 बचा है, सो दिस 3, टेक द एलसीएम, यहाँ कितना आएगा, माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। मैं डायग्राम इरेज कर दूं चलेगा? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, या फिर मैं ऊपर ये जो प्रॉपर्टी लिखी है मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, आफ्टर दिस स्टेप ना लेट्स कम हियर, यू हैड ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8, ये कितना आया इधर, 3, इट शुड बी 3 BC² ना, एलसीएम लोगे तो 3 BC² आएगा, कोई मिस्टेक पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, गुड। सो इट इज 2 BC² अपॉन 9। अब क्या करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बीसी को आप ए बी लिख सकते हो, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2 AB² अपॉन 9। चलो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 को करो, 9 AB² माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2 AB² 2 AB² को इधर ट्रांसपोज करो, ए डी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करो, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 7 नहीं आया, अच्छा 9 भी है ना, तो 9 यहाँ आएगा, करेक्ट, तू इधर ले जाओ, 9 - 2 7 AB² ये 9 AD² उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इट्स 9 AD² दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, इट्स हेल्प्स गुड। इसके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक्चुअली 4 वुड